बेसिका। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं जयदेव गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से, और वो अभी अपना इतने ज़्यादा जोश में थे कि अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते थे। तो मेरे साथ है जयदेव। तो जयदेव बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 3 दिन की जर्नी है और कल एक दिन और है। हाँ जी। तो आपने 3 दिन में क्या सीखा? आपने क्या, आपको एक्सपीरियंस में लगा कि भाई ये थोड़ा सा लगा, क्योंकि हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो आपने क्या सीखा? हाँ जी सर, तो सबसे पहले थैंक यू फॉर माय यूथ क्रॉस सोसाइटी। मैंने यहाँ पे, हमें आज 3रा दिन है यहाँ पे, हमने यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लाइक बर्मा ब्रिज वगैरह। हमने यहाँ पे ये सीखा कि कैसे हम, अगर हमारे पास कोई नेचुरल कोई डिज़ास्टर होता है तो हम कैसे उससे निपट सकते हैं जी। हमारे पास ये तो नहीं है कि हमारे पास हमेशा कुछ अवेलेबल होगा, कुछ सोर्स अवेलेबल होगा, तो इस उस कंडीशन में हमें कैसे सर्वाइव करना है, कैसे दूसरों की हेल्प करनी है, ये सब हमने रेड क्रॉस सोसाइटी से सीखा, इस कैंप के थ्रू सीखा हमने। तो आप यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज लेके जा रहे हैं। और सर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा, सबसे बड़ी बात। मैंने जो सोच के आया था, मैं सबसे बड़ी चीज़ सोच के आया था कि इन्जॉय करना है, बट यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं कि भाई कैसे सबकी हेल्प करनी है। जो यहाँ का गोल है, फ्रेंडशिप, हेल्थ एंड सर्विस, वो सब बहुत अच्छा है जो इनका। तो ये कह सकते हैं कि आपने मस्ती मस्ती में सारी चीज़ें सीख, हेल्पिंग करने वाली चीज़ें आपने सब सीखी हैं। हाँ जी। तो धन्यवाद, थैंक यू सर आपका कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने शब्द और अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया हमसे। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू।